अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। वज़ीरे आज़म का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल पर अदालती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। सहाफ़ियों के हकूक के लिए हुकूमत इकदामात कर रही है। पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए। वज़ीरे मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कहना है कि रूसी सरकारी वफ्द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा। आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरक एजेंडे पर काम की ज़रूरत है। एहसन इकबाल का कहना है कि सार्क ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियां रूस और यूक्रेन की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। समाजी तहफ़ के प्रोग्रामों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फीड की किल्लत, मुर्गी अंडों की सप्लाई बंद हो सकती है। पोल्ट्री मालिकान का कहना है कि पोल्ट्री की लगभग 50% से ज़ायद सनत इस वक्त बंद हो चुकी है। मुल्क में ग़िज़ाई अदम तहफ़ का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के मामले का अस खुद नोटिस ले लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के मामले का असखुद नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर अदालती कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ के कत्ल का असखुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी खारजा, DGIB, DGFIA को आज ही तलब कर लिया है। केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस में असखुद नोटिस की समाअत करेगा। वाज़ह रहे कि अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के वाक़े के बाद से सुप्रीम कोर्ट का इंसानी हकूक सेल मामले की तहकीकात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुल्क भर में सहाफ़ियों और आवाम में अरशद शरीफ के कत्ल पर शदीद तशवीश और गम गुस्सा था। मुल्क भर के आवाम की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े पर कीनिया के सदर से बात की थी। आज़ादी इजहार राय हर माशरे के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सहाफ़ियों के हकूक के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के तहफ़ के लिए कानून साजी भी की है। वज़ीरे मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस हमें सस्ते नरखों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस हमें सस्ते नरखों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए। रूस रियायती नरखों पर पाकिस्तान को खाम तेल देगा। रूस के नए कारखानों से LNG के मुआहदे करेंगे।
रूसी सरकारी वफ जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मईशत चलेगी तो मुल्क आगे चलेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें तरक्की की शरह में इजाफा करना होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था, आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रूस का दौरा कामयाब रहा। रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज्यादा कामयाब रहा। कि हमारा रूस का दौरा जो है वो बहुत हमारी उम्मीदों से ज्यादा कामयाब रहा है। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था, गुज़िश्ता बरस दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ गई। दुनिया ने ऐसे में एलएनजी का बड़ा हिस्सा खरीद लिया। रूस के पास अभी एलएनजी मौजूद नहीं है, लेकिन रूस में निजी कंपनियों से एलएनजी के लिए बातचीत शुरू हो गई है। रूस के सरकारी एलएनजी कारखानों से भी बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मौशी तरक्की के लिए 1.5 से 2% ज्यादा एलएनजी दरकार है। हमें हर साल अपनी एनर्जी में 8 से 10% इजाफा करना होगा। वो कौन सी हुकूमत थी जो कह रही थी कि हमें एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं? क्या आपने तरक्की के सब दरवाजे बंद कर दिए थे? अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तरक्की और तवानाई चाहिए। अगर हमें हर साल 5 से 6% तरक्की करनी है तो हमें हर साल अपनी एनर्जी में 8 से 10% इजाफा करना होगा। हमने अपनी कंपनियों को कहा हुआ है, आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे तक गैस घरों में आनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि माशी बहाली एक तवील मुद्दती एजेंडा है। खित्ते के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरक एजेंडे पर काम की ज़रूरत है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी तरक्की और इस्तेहात और खसूसी इकदामात प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों पर रिलीफ देने की ज़रूरत है। हुकूमत ने गरीब तरीन अजला के लिए 40 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया है। वजारत तरक्की और मनसूबा बंदी में SDGs यूनिट कायम किया गया है। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान 46.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए। सैलाब के बायस गुरबत में 3.7% से 4% इजाफा हुआ। 84 लाख से 91 लाख अफराद गुरबत का शिकार हुए। सैलाब से 3.3 करोड़ की आबादी मुतासिर हुई। 25 गरीब तरीन अजला में से भी 19 अजला सैलाब से मुतासिर हुए। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीर को इदारा बराए पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब के बाद कई चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम सार्क मुल्कों को बेहतर मयार जिंदगी के चैलेंजेस का सामना है। सार्क मुल्कों में मौसमियाती तब्दीलियां रूस और यूक्रेन की जंग से ज्यादा खतरनाक हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि मौशी बहाली एक तवील मुद्दती एजेंडा है। खित्ते के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरक एजेंडे पर काम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खुराक की कीमतों में इजाफा और तवाजन अदायगी के बहरान का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों पर रिलीफ देने की जरूरत है। हुकूमत ने गरीब तरीन अजला के लिए 40 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया है। वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी में SDGs यूनिट कायम किया गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सैलाब की वजह से लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। समाजी तहफ़ के प्रोग्रामों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस में खत्ते का हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया दुनिया का एक पसमानदा खत्ता है। 6 साल से हम सार्क समिट के इनका का फैसला ही नहीं, हमें आपस में जंग के बजाय गुर्बत, बेरोजगारी, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग की जरूरत है। I said it at the high level political forum 2022 in New York, where we presented VNR 2022 that we are facing far more severe problem than COVID after Russia-Ukraine war. Supply chains are disrupted. पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में एक माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में एक माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। पोल्ट्री मालिकान का कहना था कि सोयाबीन और कैनोला पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाला अहम जुज है। इस वक्त पोर्ट पर 6 लाख टन से ज्यादा सोयाबीन मौजूद है जो क्लियर नहीं किया जा रहा, जबकि पोल्ट्री मालकान ने सोयाबीन की दरामद के सिलसिले में दरामद कुनंदगान को 44 करोड़ डॉलर से ज्यादा की अदायगियां भी कर दी हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन चौधरी अशरफ, साबिक चेयरमैन गुलाम खालिक, सिंध बलोचिस्तान जोन के चेयरमैन सलीम बलोच और दीगर ने गुज़िश्ता रोज कराची प्रेस क्लब में हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची पोर्ट पर रुके हुए सोयाबीन कंटेनर्स की
کلیئرنس نہ ہونے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزارت غذائی تحفظ اور دیگر وزارتوں کے سویابین کے درآمد کنندگان سے جو بھی معاملات ہیں انہیں فوری طور پر طے کیا جائے اور بندرگاہ پر موجود سویابین کی کلیئرنس کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ ملک بھر میں پولٹری صنعت کو فوری طور پر فیڈ کی فراہمی بحال کی جا سکے۔ اس وقت ملک بھر میں پولٹری مالکان یومیہ 38 لاکھ مرغیاں اور 3.5 کروڑ انڈے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر پولٹری کی صنعت کے لیے فوری طور پر فیڈ کی فراہمی کا معاملہ طے نہ کیا گیا تو ایک ماہ کے اندر ملک بھر میں مرغی اور انڈوں کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن روزانہ کی بنیاد پہ 38 سے 40 لاکھ مرغی مارکیٹ میں دے رہی ہے اور 3.5 کروڑ انڈا ڈیلی کے حساب سے آ رہا ہے۔ یہ سب سے سستی پروٹین ہے جو ہم مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہو گئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس وقت ملک بھر میں پولٹری مالکان یومیہ 38 لاکھ مرغیاں اور 3.5 کروڑ انڈے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر پولٹری کی صنعت کے لیے فوری طور پر فیڈ کی فراہمی کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو ایک ماہ کے اندر اندر ملک میں مرغی اور انڈوں کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے اور اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہوئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ ادارہ ہمارے اس ایشو کو سیریس لیا جائے اور ہماری مدد کی جائے، ادروائز پولٹری سے وابستہ 20 لاکھ لوگ اور اس 20 لاکھ فیملیاں بے روزگاری کی طرف جائیں گی یا تنگ دستی کی طرف جائیں گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔